इस ग्राम सभा से जुड़े हुए सभी उपस्थित गांव के सभी नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले गैलेंट इस्पात को ग्राम सभा बसियां और लुचई में विभिन्न प्रकार की विकास परक लोक कल्याणकारी योजनाओं को देने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपने शुभकामनाएं भी देता हूं। जन सहभागिता के माध्यम से बड़े से बड़े कार्य हो सकते हैं और यह एक बहुत अच्छी दिशा में किया जाने वाला प्रयास है। यद्यपि आज के दिन पर गांव हो या शहर, शासन ने जितनी धनराशि विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई है, अगर उस सभी राशि का सही इस्तेमाल हो जाए तो जनता की बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं है। और अगर इन योजनाओं के साथ समाज के उन गणमान्यों के द्वारा जिनके पास अपने सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए धनराशि है, वे भी अगर इस कार्य में सहयोगी बन जाते हैं तो इस कार्य को कई गुना लोक कल्याणकारी बनाया जा सकता है। आज का यह कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि 2.5 वर्ष पहले प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के लिए विकास की योजनाएं बनाई। केंद्र और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए एक तंत्र विकसित किया। साथ साथ इन सभी योजनाओं को हम एक सतत विकास की ओर ले जा सकें, इस दृष्टि से हम लोगों ने ढांचागत बुनियादी विकास की भी योजनाओं को द्रुत गति से आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। आज प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के 1,80,00,000 बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवा रही है। हर गांव में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है और उस धनराशि को व्यवस्थित उपयोग करते हुए गांव की जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, इसके साथ ही विकास की योजनाओं में तीव्रता लाने के साथ ही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी, कहीं एक्सप्रेसवे, कहीं मेट्रो, कहीं रैपिड रेल, कहीं पर एयरपोर्ट, कहीं पेयजल की योजना, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कहीं ITI, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं विश्वविद्यालय, इन सबके निर्माण को भी एक नई ऊंचाइयों को तक पहुंचाने का कार्य किया गया। युवा जो हमारी ऊर्जा का प्रतीक है, उन युवाओं के लिए भी अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किए गए। 2,51,000 से अधिक युवाओं को तो प्रदेश में सरकारी नौकरी पिछले 2.5 वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई। लगभग 40,00,000 से अधिक युवाओं को प्रदेश में हुए निवेश या परंपरागत उद्यम में रोजगार के साथ उन्हें जोड़ा गया। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए युवाओं को जो किसी न किसी अप्रेंटिस योजना के माध्यम से स्वावलंबन की ओर, आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकता है, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया। और इस बार बजट में आपने देखा होगा, हमने हरेक जनपद में युवाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए
एक हब बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की और ये भी व्यवस्था की हर एक उद्योग उस क्षेत्र से जुड़े हुए किसी न किसी आईटीआई या स्किल डेवलपमेंट के सेंटर को अपने साथ जोड़ेगा, अप्रेंटिस कराएगा और ऐसे चिन्हित नौजवानों को सरकार हर महीने 2500 रुपये सहायता के रूप में उन्हें उपलब्ध कराती रहेगी। ये एक नई योजना युवाओं के लिए हम लोगों ने प्रारंभ की है। हम अपने युवाओं को उस ओर अग्रसर करेंगे जहां प्रदेश में, देश में और दुनिया में जहां कहीं भी रोजगार की संभावनाएं बनेंगी, उन रोजगार की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित करेगी, उस प्रकार का मंच उपलब्ध कराएगी और आज का एक कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। महत्वपूर्ण ये नहीं, गैलेंट ग्रुप ने यहां पर 2.5 करोड़ की लागत से इन दो ग्राम पंचायतों में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए, विद्यालयों के कक्ष निर्माण से लेकर के सड़कों के निर्माण को लेकर के सामुदायिक शौचालय को लेकर के पेयजल की शुद्ध व्यवस्था के लिए आरओ प्लांट लगाने की कार्रवाई हो, ये सारे कार्यक्रम किए। महत्वपूर्ण ये नहीं कि पूंजी कितनी है, महत्वपूर्ण ये है कि किस भाव के साथ संस्थान ने इन लोगों के साथ जुड़ करके अपनी भावनाओं के साथ इन्हें एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक नया राह दिखाया है। अगर शासन की योजनाओं में निजी भागीदारी के माध्यम से हम लोगों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ दे सकते हैं तो मुझे लगता है एक बड़ा कार्य होगा। और मैं यहां पे चंदूबाबू से कहूंगा कि इस गांव में एक ओपन जिम का निर्माण तो अवश्य आप करवा ही दें, क्योंकि ओपन जिम आज की आवश्यकता है। हमने हर गांव में ये व्यवस्था दी है और गांव में अगर एक फील्ड है तो खेल के मैदान के लिए, बच्चों के लिए, खेलकूद के लिए उसको विकसित करने और ओपन जिम के माध्यम से वे बच्चे स्वस्थ हों और एक स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना योगदान दे सकें, इस दृष्टि से हमें उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने जन सहभागिता के माध्यम से पिछले 2.5 वर्ष के दौरान 1,20,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को बहुत अच्छे ढंग से कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल की तर्ज पर विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ओपन जिम के निर्माण के लिए हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, हर गांव अच्छे इंटरलॉकिंग की सुविधा से आच्छादित हो, गांव में ड्रेनेज की सुविधा हो, गांव में जल संचयन के लिए गांव का तालाब हो, इन सब कार्रवाई को भी एक साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। और लेकिन कोई भी कार्य केवल सरकार चलाए उसका उतना मूल्य नहीं होता, उसकी उतनी अहमियत नहीं होती। अगर उसका 10वां भाग भी निजी क्षेत्र सहयोग के रूप में देकर के उस कार्यक्रम में सहभागी बनता है तो उस कार्य की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लुचई या इस गांव में जो एक नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, मैं इसके लिए गैलेंट इस्पात को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हर एक उद्यम जैसे आज यहां पर इन सभी कार्यकर्ताओं की मांग पर श्री सुरेंद्र सिंह सोलंकी हैं, श्री विनोद अग्रवाल जी हैं, श्री राम प्रकाश यादव जी हैं, ये सभी कार्यकर्ता यहां पर लग करके इस कार्यक्रम के साथ आगे जुड़े हैं, ऐसे ही हम अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं एक बार पुनः गैलेंट इस्पात को इस कार्य के लिए हृदय से बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये सभी उद्यम और समाज के सभी गणमान्य जिनके पास कुछ साधन हैं, वे अपने साधन को अपने परिवार के साथ साथ इस समाज रूपी बृहद परिवार के कल्याण में भी अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।